90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने फिल्म तिरंगा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के बाद वो रातों रात मशहूर हो गई थी। फिल्म चाइना गेट, वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी कई फिल्मों में उन्होंने धमाल मचाया। सलमान खान, अक्षय कुमार, सनी देओल और नाना पाटेकर जैसे कलाकारों के साथ पर्दे पर नजर आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ममता कहाँ हैं? सलमान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद एक्ट्रेस ने अचानक बड़े पर्दे से दूरी बना ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस इस वक्त केन्या में है और जोगन बन चुकी हैं। लेकिन अब खबरें हैं कि वो जल्द ही भारत लौट रही हैं और बिग बॉस 17 का हिस्सा बनने जा रही हैं। हालांकि शो के प्रतियोगियों के नाम का खुलासा प्रीमियर के दिन ही किया जाएगा। 51 वर्षीय ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा से ही अफवाह बताया। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि उन्होंने कभी शादी नहीं की।